हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रहमान एकेडमी में। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि सचिवालय ने जो वैकेंसी निकाली है, कुछ है, मतलब इसमें जो है एडवर्टीजमेंट वगैरह पूरी डिटेल में हम आपको जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश जो है असेंबली यूपी सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें आपको हम टोटल चीज बताएंगे। जैसे कि इसमें जो वैकेंसी निकाली जो लेटेस्ट जॉब है उसका एडवर्टीजमेंट नंबर जो है 01/2020 से, इसमें एप्लीकेशन डेट जो है 8/2020 से ही चल रही है। जबकि इसमें जो है इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये जो बीच में निकाला गया था और डेट जो है खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर से डेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। इसी के रिगार्डिंग में आपको बात करने वाला हूँ कि अब जो है नया डेट जो आया है 12 जनवरी 2021 को लास्ट डेट है, और एग्जाम फीस वगैरह सब कुछ यहाँ पे डिटेल आपको देख रहे हो। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि लास्ट डेट जो है 12 जनवरी 2021 है, और एग्जाम फीस वगैरह जो है 12 जनवरी को ही करना है। एग्जाम डेट 24 जनवरी 2021 को ही होगी, जबकि ये पहले से ऑलरेडी ये अप्लाई हो रहा है ऑनलाइन। अग्रीमेंट का जो है 16 जनवरी तक रिलीज कर दिया जाएगा और ये एग्जाम डेट 24 जनवरी होगी। इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को जो है 950 रुपीज पे करने होंगे, SC ST PH वालों को 850 रुपीज, और PH DIVYANG यानी कि जो कि हैंडीकैप वगैरह में आते हैं उनको 50 रुपीज पे करना होगा। आप जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। गाइड यहाँ पे जो है एज लिमिट 1/2020 को जो है मिनिमम 30 ईयर्स होने चाहिए जो कि एडिटर के लिए पोस्ट है, और मिनिमम एज 22 ईयर्स होने चाहिए जो कि स्टेनोग्राफर के लिए, और मिनिमम एज 21 ईयर्स होने चाहिए जो कि और अदर पोस्ट है। कौन कौन से अदर पोस्ट है हम थोड़ी से बात कर लेते हैं नीचे। यहाँ पे देखो टोटल पोस्ट जो है 87 पोस्ट है, और इसमें एडिटर नेम के साथ साथ टोटल पोस्ट है कितने सीट किसमें है वो भी दिया है। इसके अलावा एडिटर के लिए जैसे कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, जैसे मास्टर डिग्री इन लिटरेचर होनी चाहिए या सोशल साइंस विद मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा जा रहा। उसी तरीके से हम थोड़ी से देख लेते हैं यहाँ पे असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए इसमें 2 पोस्ट हैं। इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स हो, इट डजंट मैटर। और उसके अलावा हिंदी टाइपिंग जो है 80 वर्ड पावर मिनट होनी चाहिए, और इंग्लिश जो है 25 वर्ड पावर मिनट होनी चाहिए, CC एग्जाम पास होना चाहिए। और इसके अलावा थोड़ी हम देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो है 1 पोस्ट है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद हाउस कीपिंग या होटल मैनेजमेंट कैटेगरी। ये सब जो है आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना कंपलसरी है। इसके अलावा यहाँ पे देखो कैटेगरी वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सीट को, जैसे कि एडिटर में आंधी वालों के लिए सीट, OBC वालों के लिए 0, SC के 0, ST के 0, टोटल इसमें 1 पोस्ट है। उसी तरीके से आप बैच देख लेना, और जो इम्पोर्टेंट लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कि आप खुद से भी देख सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करोगे। तो आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो फिर वो लॉग इन पे चले जाएंगे, जो कि मैं दोनों लिंक ओपन करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे सिलेबस में बता दे रहा हूँ, और यहाँ पे डाउनलोड डेट स्ट्रीम नोटिस उसके नोटिफिकेशन दिखा दे रहा हूँ, और टोटल जो एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन है, और इसके अलावा मैं ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये देखो उत्तर प्रदेश असेंबली का जो है ये मतलब कि यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड, यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आप संपादक प्रतिवेदक वही ट्रांसलेटर होगा जो भी मतलब हिंदी में दिया गया, बिल्कुल आप कोई जिसमें आप मतलब कि विजिबल हो एक सिलेक्ट कर लेना, जो भी हो मतलब संपादक हो इसमें पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो। क्लिक करके यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम वगैरह, यहाँ पे फील वगैरह जो भी किस कैटेगरी में आते हो, जनरल OBC SC ST, उसके अलावा यहाँ पे जो भी हो एज रिलैक्सेशन किसी को छूट चाहिए तो यहाँ पे देख करके, और स्टेट डोमिसाइल आप UP से बिलोंग करते हो या अदर स्टेट से करते हो वो भी यहाँ पे देना, जन्मतिथि भी देना। उसके अलावा यहाँ पे मोबाइल नंबर कंपलसरी, यहाँ पे देखो जो स्टार मार्क्स रेड में साइन जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है ये कॉलम आपको फिल करना कंपलसरी होगा। यहाँ पे एक्टिवेट मोबाइल नंबर भी देना, और इसके लिए भी एक्टिवेट देना जो मतलब एक्टिव जो हो, और यहाँ पे कैप्चर करके फिल करके आप जो है यहाँ पे टिक लगा के जो है सबमिट कर लेना, आपके रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन जैसे करोगे आपके रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। और ये हो ये जो है उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा गाइस। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब जो बंदा मतलब कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो उनको क्या करना होगा, यूजर ID यहाँ पे क्लिक करके टाइप करके और इंटर पासवर्ड करके सबमिट कर लेना। सबमिट जैसे करोगे नेक्स्ट स्टेप जाएगा, और कुछ भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह मांगा जाएगा वहाँ पे, और फिर लास्ट में फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करके फिर लास्ट में पेमेंट वगैरह का प्रोसेस आएगा, वो भी आप कर लेना। अब इसमें थोड़ी से देख लेते हैं सिलेबस क्या आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखो प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की सिलेबस की रिपोर्टिंग, जो कि
100 कुल प्राप्त 100 नंबर के होंगे और अवधि 120 मिनट होंगे। और सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल जो होंगे क्वेश्चंस, उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स होंगे। और सामान्य हिंदी 50 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन एक, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गए और 100 मार्क्स हो गए। टोटल आपको 120 मिनट यानी कि टोटल 120 मिनट मिलेगी। और सिलेबस में जैसे सामान्य अध्ययन में क्या क्या होगा, तो सामान्य विज्ञान पढ़ना, भारत के इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जनसंघ के बारे में, सामान्य वैदिक, और इसके अलावा हिंदी में जो है विलोम शब्द, वाक्य यानी पर्यायवाची शब्द, यही सब पूछे जाएंगे। तो आप भी देख लेना गाइस कि मतलब सिलेबस टफ तो नहीं है, मतलब अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और स्टूडेंट को तो कुछ टफ नहीं, मतलब जो स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं उनके लिए तो टफ बिल्कुल नहीं है। और मैं ये भी लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना गाइस। और अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए आप तक जल्दी से पहुंचे। अब यहाँ पे मैं जो नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ गाइस, ये देखो, ये रिगार्डिंग इसलिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि जो डेट एक्सटेंड किया गया उसी के रिगार्डिंग इसमें नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे देखो टोटल चीज आप कर लेना। और ये देखो विज्ञापन जो कि 37 पेज का है, उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय लखनऊ, इसमें पूरी डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस तरह से फॉर्म वगैरह फिल करोगे। यहाँ पे देखो सब कुछ है, यहाँ पे मतलब टोटल रजिस्ट्रेशन वगैरह हर चीज़ यहाँ पे बता दिया गया, सेवरी वगैरह जो कुछ भी मतलब है एग्जाम के बाद कैसे क्या प्रोसेस करना है, तो सभी इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक भी शेयर करो ताकि उनको भी पता चले कि ये उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली की जो वैकेंसी आई थी उसकी डेट फिर से एक्सटेंड किया गया, फिर से आपको एक बार मौका दिया है, अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि फॉर्म, अगर जो लोग फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे वो इस फॉर्म को अप्लाई कर ले और तैयारी में प्रिपरेशन में लग जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए।